विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांगली के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लासरूम में स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में सबसे पहला पार्ट अपने पास है स्थिर विद्युत की। कल भी हमने इसकी बात की थी। मेरा नाम है दिनेश बेनीवाल और मैं आपका फिजिक्स टीचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर विद्युत की। कल भी हमने इसके बात की थी। तो सबसे पहले स्थिर विद्युत की है, तो स्थिर विद्युत की है, इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर अपने पास में आवेश होती है। कल हमने आवेश के बारे में जाना था कि आवेश है क्या। आवेश द्रव्य पदार्थों का गुण है जो विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इस पे हम थोड़ा आगे जाएंगे। इसमें क्या होता है, फिजिक्स में कई बार आगे की टर्म भी आ जाती है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस इतना मानो कि आवेश के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। आवेश इस प्रकार का प्रॉपर्टी है, इस प्रकार का है कि ये जहां पे होगा वहां पर कुछ ना कुछ क्रिएशन करेगा, कुछ ना कुछ बनाएगा। तो जो चार्ज है वो विद्युत क्षेत्र भी बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। तो स्थिर विद्युत की क्या है, एक स्थिर विद्युत की होती है, एक गतिक विद्युत की होती है। तो स्थिर विद्युत की के अंदर हम केवल ये जानेंगे कि जब ये रेस्ट के अंदर है तब ये क्या क्या उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपका आवेश स्थिर विद्युत की में क्या होगा, स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं। अपने पास दो या दो से अधिक स्थिर आवेश होंगे और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं, म्यूचुअल रिएक्शन। ये अन्योन्य क्रियाएं क्या हो रहे हैं, अन्योन्य क्रियाएं हैं आपकी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और स्थिर विद्युत की में अपना चुंबकीय क्षेत्र तो होगा नहीं, तो क्या होगा, अन्योन्य क्रियाओं से मतलब है अन्योन्य क्रियाएं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। एक बार फिर डेफिनेशन बोल देता हूं हल्की सी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत की कहलाती है। तो आप सिंपल ये समझें कि दो या दो से ज्यादा चार्ज हैं वो स्थिर अवस्था में है, और स्थिर अवस्था में वो जो जो चीजें उत्पन्न करेंगे, जो जो क्रिएशन करेंगे, तो वो जो है वो क्या कहलाएगी, स्थिर विद्युत की कहलाएगी। तो ये स्थिर अवस्था में सबसे पहले क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और विद्युत क्षेत्र से क्या उत्पन्न होता है, आपका विद्युत बल उत्पन्न होता है। दोनों आवेशों के मध्य बल लगता है जिसको कूलाम बल कहते हैं। तो ये चीजें उत्पन्न होगी किसके अंदर, स्थिर विद्युत की के अंदर। तो हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे और विद्युत बल की बात करेंगे। विद्युत बल यानी कौन सा नियम, कूलाम का नियम, और यहीं पे अपना ये चैप्टर रहेगा इसके विद्युत। तो स्थिर विद्युत की बात कर ली। अब आवेश के बारे में हमने कल जाना था, फिर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसका सीजीएस मात्रक ईएसयू है। और एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, 3×10⁻⁹ ईएसयू होते हैं। तो ये बात हो गई आवेश की। फिर आवेश के प्रकार की बात करेंगे, आवेशों के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। पहला आपका पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश कब आता है, जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी तो वो वस्तु या उस वस्तु के परमाणुओं पर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। दूसरा है ऋण आवेश, ऋण आवेश कब आएगा, जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, ग्रहण करती है, तो उस वस्तु या उस वस्तु के जितने भी परमाणु हैं उन पे क्या आएगा, आपका नेगेटिव आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। तो ये दो प्रकार के हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। उसके बाद में ये बात करते हैं कि आपके पास में कोई भी वस्तु है वो कैसी है, धनावेशित है। ये वस्तु हमने ए मान ली,
इसके बाद में कोई वस्तु बी है वो भी क्या है धनावेशित है, तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। सहजातीय के बीच में होता है हमेशा प्रतिकर्षण। इसी प्रकार से यदि वस्तु दोनों ही ऋण आवेशित हो तो उनके बीच में भी क्या करेगा, उनके बीच में भी कार्य करेगा प्रतिकर्षण, क्योंकि ये सहजातीय हो गई, प्लस और प्लस सहजातीय, माइनस और माइनस सहजातीय, उनके बीच में क्या हुआ प्रतिकर्षण। अब यदि आपकी एक वस्तु धनावेशित है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित है, या पहली ऋणावेशित और दूसरी क्या है धनावेशित है, तो उनके बीच में क्या कार्य करता है, उनके बीच में सदैव कार्य करता है आकर्षण बल। तो यहां पे आपका लगेगा आकर्षण बल। तो ये आवेशों के प्रकार हो गए। अब हम बात करेंगे आवेशन की विधियों के बारे में। तो शायद कल भी हमने बात की थी आवेशन की विधियां, एक बार फिर बात कर लेते हैं। तो इनको जितनी बार आप रिवाइज करोगे, जितनी बार पढ़ेंगे, इतना ही आपके अच्छे याद रहेगा। तो सबसे पहले चालन विधि की बात करेंगे। तो चालन विधि में अपने को क्या करना है, कोई भी आवेशित वस्तु लेनी है। हम सबसे पहले एक आवेशित वस्तु लेके आए हैं, ये वस्तु आपकी ए, और अब क्या लाना है, इसके स्पर्श में लाना है। दोनों का फिजिकली स्पर्श होना चाहिए, आपस में दोनों क्या होने चाहिए, टच होने चाहिए। तो इस ए के टच में हम लेके आए हैं दूसरी वस्तु क्या है बी। इस पे चार्ज हमने मान लिया कितना, प्लस क्यू है, और ये आपके न्यूट्रल है। तो इस पे जो बी पे चार्ज है वो कितना आपका जीरो है। अब क्या होगा, अब जो आवेशित वस्तु है उससे अनावेशित वस्तु में आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। ये वापस से आते हैं, ये वस्तु ए है, कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस क्यू इस पे चार्ज है, और ये आपकी दूसरी बी वस्तु है, ये बिल्कुल उदासीन है। तो क्या होंगे, ए से बी में आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। ये देखो ये आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है बी में, और ये कब तक रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों पर चार्ज की मात्रा समान न हो जाए। तो हम देखेंगे इसके बाद में, ये आपकी वस्तु ए, इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, और ये आपकी वस्तु क्या हो गई बी, इस पे चार्ज, अच्छा इसमें ट्रांसफर हुआ है ना, देखो यहां पे चार्ज कितना था प्लस क्यू, वस्तु क्या आपकी ए, ये आपकी उदासीन, इस पे चार्ज कितना है जीरो। तो यहां से चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, ये आप देखो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चार्ज और ये चार्ज दोनों बराबर मात्रा में हो गए, अब टोटल कितना है क्यू। अब इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, क्यू और प्लस में जीरो इक्वल टू कितना हुआ क्यू। तो क्यू चार्ज है टोटल, और क्यू चार्ज दो चीजों में डिवाइड होगा, तो दोनों के आधा आधा रह जाएगा, यानी यहां पे चार्ज कितना होगा आपका क्यू बाई टू, और इस पे भी चार्ज कितना होगा क्यू बाई टू। तो ये जो मेथड है, ये मेथड क्या है, चालन का है। अच्छा इसको कई बार दूसरे डायग्राम से भी दिखाया जाता है, वही बात रहती है, ऐसे कि आपके पास में उदासीन वस्तु है और यहां पे आपके पास में स्रोत है, आवेश का स्रोत है। किसी घरों में अपने पास में पावर प्लग होता है, वो करंट का स्रोत रहता है, उसमें हम डालते हैं केबल, डालते हैं केबल के थ्रू हम चार्ज लेते हैं। तो यहां से हम ये वायर ले आए और ये स्रोत है, उस स्रोत में मान लो ये पॉजिटिव चार्ज का अपने पास स्रोत है, तो चार्ज इसमें जाएंगे, चले गए। तो इस प्रकार से ये आपका प्लस क्यू चार्ज से आवेशित हो गई। ये मेथड भी कौन सा है, ये चालन का मेथड है। तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का होता है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें या तो आपके पास में दो गोले हैं, उनको आपस में अपने को स्पर्श कराना पड़ेगा, तब आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। या फिर आपके पास में कोई केबल है, कोई तार है, चालक तार है, उस तार से हम स्रोत के थ्रू और इसको क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, ये भी चालन है। इसके अलावा जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये उदासीन है, अब आप चाहो कि ये मान लो दोनों बहुत बड़े हैं, हम इनको पास पास में नहीं ला सकते, तो इनको क्या करना है, आपको एक तार से जोड़ देना है, तार से जोड़ देंगे तब भी आवेश क्या होंगे, इस आवेशित गोले से अनावेशित गोले में चार्ज का क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। और बाद में हम देखेंगे, तो यहां पे देखो इसी से तो चार्ज यहां पे गए हैं, तो यहां पे क्या होंगे, यहां पे क्यू आई टू, और यहां पर भी क्या होंगे क्यू आई टू।
तो ये मेथड जो है, ये जो विधि है चालन की, आवेशन की, इसको कहते हैं चालन विधि। अब अगली विधि के बारे में बात करेंगे, आवेशन की दूसरी विधि घर्षण की विधि। तो घर्षण की विधि में क्या करना है, घर्षण की विधि सबसे पहले जब आवेश की खोज हुई थी आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, और ये खोज कहां पे हुई थी, ग्रीस में एक ग्रीक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेलिस, और इन्होंने पाया या इन्होंने देखा, क्या देखा, इन्होंने देखा कि जब रेशम के कपड़े को, किसका कपड़ा है, रेशम का, रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और इस विशिष्ट गुण को नाम दिया गया आवेश। और ये खोज किसने की थी, थेलिस ने की थी। तो ये घर्षण विधि से सबसे पहले आवेश खोजा गया, और इसमें हुआ क्या, रेशम का कपड़ा और एक थी कांच की छड़, और रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से जब रगड़ा गया तो कांच की छड़ जो है आपकी धनावेशित होती है, रेशम का कपड़ा आपका क्या होता है, ऋणावेशित होता है, और कांच की छड़ को जब छोटे छोटे टुकड़ों के, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाते हैं तो कांच की छड़ में उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो इसी को आवेश नाम दिया गया। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, आपको हल्का सा याद रखना है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होगा और कांच की छड़ क्या है आपकी, धनावेशित होगी। एक एग्जाम्पल और है आपका, अंबर और बिल्ली की खाल का, तो आपको क्या लेना है, एक बिल्ली की खाल लेनी है बिल्कुल सूखी, कैट स्किन, इसको या तो किसी प्लास्टिक की वस्तु से रगड़ सकते हैं या एबोनाइट की छड़ से रगड़ सकते हैं, इस पर भी प्रश्न आता है कि बिल्ली की खाल से जब एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है तो एगोनाइट की छड़ पर किस प्रकार का आवेश आता है, तो यह भी आपको याद रखना है। तो बिल्ली की खाल से जब एगोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है तो एगोनाइट की छड़ होती है ऋणावेशित, और बिल्ली की खाल क्या होती है, धनावेशित। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्ली की खाल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वो बहुत ही दुर्बल बल से बंधे हुए थे, और जब दोनों के बीच में घर्षण हुआ तो घर्षण से जो एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिली, और वो इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, एबोनाइट की छड़ में चले गए, तो एबोनाइट की छड़ कैसी हुई आपकी, ऋणावेशित। और दूसरी तरफ यहां पर जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन है वो दुर्बल बल से बंधे होते हैं, और इस फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है, कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, तो रेशम का कपड़ा आपका कैसा होता है, ऋणावेशित, और कांच की छड़ क्या होती है, धनावेशित। यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि रेशम के कपड़े को जब कांच की छड़ से रगड़ा जाता है तो इस विधि का नाम बताइए, तो विधि कौन सी आपकी, घर्षण, और इसमें रेशम का कपड़ा कैसा आवेश ग्रहण करता है, ऋणावेशित, कांच की छड़ कैसा ग्रहण करती है, धनावेशित। तो ये विधि क्या है, घर्षण विधि। अब इसके भी काफी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रक होते हैं, रोडों पे ट्रक चलते हैं, उनसे एक जंजीर होती है लोहे की, और वो लोहे की जंजीर हमेशा नीचे सड़क पे स्पर्श करती रहती है, तो वो क्यों बांधी जाती है, वो इसलिए बांधी जाती है कि जब भी आपका ट्रक है यानी बड़े व्हीकल हैं, वो चलेंगे स्पीड से तो हवा से उनका क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, और घर्षण से इस ट्रक की जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, मान लो ये आपकी ऋणावेशित हो रही है, तो इससे क्या होगा, इससे स्पार्किंग होगी, ये ट्रक चलेगा जब ये चार्ज की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है तब क्या होने लगती है, स्पार्किंग होने लगती है, और स्पार्किंग से क्या होता है, स्पार्किंग सबसे ज्यादा असर करती है इलेक्ट्रॉनिक्स के जो उपकरण होते हैं, जैसे इसके अंदर ओडोमीटर वगैरह वो जितने भी चीजें लगी हुई है तो उनको गड़बड़ कर देती है, तो उस स्पार्किंग से बचने के लिए हमने इस ट्रक से क्या जोड़ दी, एक जंजीर बांध दी। अब क्या होगा, जैसे आवेशित होंगी और ये आपका कंडक्शन में चढ़ा गया, चालन में चढ़ा गया, तो आवेश आपके कहां चले जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा कि घर्षण से उत्पन्न हुए आवेशों को भू संपर्कित करने के लिए हम क्या बांधते हैं, ये जंजीर बांधते हैं।
एक इसमें ये आता है कि हवाई जहाज के जो टायर होते हैं वो सुचालक बनाए जाते हैं। क्यों? तो हवाई जहाज हवा में बहुत ही हाई स्पीड से उड़ता है, तो उस कंडीशन में जो घर्षण होते हैं, घर्षण से क्या हो जाता है, हवाई जहाज की जो बॉडी होती है, एल्यूमिनियम बॉडी होती है, वो बॉडी क्या हो जाती है आपकी, आवेशित हो जाती है। अब हवा में आवेशित है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो लैंड करेगा, लैंड करते ही नीचे क्या आ गया आपका अर्थ आ गई और आवेशित आपका हवाई जहाज है, और जैसे ही लैंड करेगा तो क्या होगी, स्पार्किंग होगी, और उस स्पार्किंग से सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन डिवाइस है वो खराब हो सकते हैं। इसलिए उनके टायरों को आपको क्या बनाना पड़ेगा, सुचालक बनाना पड़ेगा, कि जैसे ही वो लैंड करे तुरंत सुचालक टायरों के माध्यम से चार्ज है वो कहां चले जाए, भू संपर्कित हो जाए। तो ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं घर्षण के बारे में। अब हम अगली विधि की बात करेंगे, प्रेरण की। तीसरी और अंतिम विधि की हम बात करेंगे, प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि क्या है, सबसे पहले आपको याद रखने वाली बस एक ही बात है, और वो क्या है, बिना स्पर्श के आवेशन, बिना कॉन्टेक्ट के आवेशन है वो प्रेरण है। और यदि आपने कॉन्टेक्ट कर दिया तो ये विधि कौन सी हो जाएगी, चालन। और आप कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो विधि क्या है, प्रेरण। तो देखिए वापस से हम दो वस्तु लेते हैं, ये आपके पास में वस्तु है ए, ये धनावेशित है और धनावेश की मात्रा कितनी है, प्लस क्यू। अब आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को एक दूसरे के पास पास में रखना है, और ये हमने आर दूरी पे रख लिया, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इससे ज्यादा है, ठीक। उसके बाद में चार्ज की भी रेंज होती है ना, उसकी रेंज समाप्त हो जाती है, उस रेंज के अंदर ही आपको पास पास में रखना है, बस एक दूसरे को कॉन्टेक्ट नहीं करना है। अब होगा क्या, ये वस्तु क्या है, उदासीन। अब उदासीन वस्तु में आप क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसका नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। हम कह सकते हैं इसके एटम को मैं यहां पे बना देता हूं, इसका एक परमाणु मैंने लिया, ये बना दिया, इसमें चार्ज क्या है, प्लस और क्या है, माइनस। अब इधर वाला चार्ज, इसके चार्ज को यहां पे मैं बड़ा सा चार्ज दिखा देता हूं, ये चार्ज दिखा दिया प्लस। अब क्या होगा, ये प्लस इस प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि हमने अभी बात की प्लस और प्लस में क्या होता है, आकर्षण, और प्लस और माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण। तो उससे क्या होगा, ये जो इस न्यूट्रल बॉडी का टोटल माइनस चार्ज है वो इस साइड में चले जाएंगे, आकर्षण के कारण एक साइड में सारे के सारे चले जाएंगे, जा रहे हैं, और इसके जितने भी प्लस है वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, यहां पर ये देखो दूसरी तरफ सारे के सारे आ गए, ये प्लस चले गए, क्यों, क्योंकि देखो प्लस प्लस में क्या हुआ, प्रतिकर्षण, तो इस न्यूट्रल बॉडी के जितने भी धनावेश थे वो दूसरी तरफ आ गए, ऋणावेश एक साइड आ गए। तो अब यहां पे चार्ज कितना हुआ, अच्छा ये कि इस बॉडी के कितने चार्जों को आवेश अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, जितना इसके चार्ज है, मान लो इसके चार्ज कितना आपका, प्लस क्यू बराबर ये 1 मिली कूलम है, तो ये इसका 1 मिली कूलम ऋणावेश इधर आ जाएगा, 1 मिली कूलम जो आपका धनावेश है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, और ये मान लो हम 5 मिली कूलम है, तो उस कंडीशन में इधर ऋणावेश 5 मिली कूलम और धनावेश इस साइड के अंदर 5 मिली कूलम सेम वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं यहां माइनस क्यू चार्ज चला गया और यहां पर क्या चला गया, प्लस क्यू चार्ज चला गया। अब आपको क्या करना है, इसका नेट चार्ज देखें, इसका यदि आप नेट चार्ज देखेंगे या कुल आवेश देखेंगे तो वो देखो ये दोनों तो जुड़ते हैं, तो कितना हो गया आपका, जीरो हो गया, अभी भी जीरो है। तो अपने को क्या करना है, अपने को चाहे प्लस लाइन या माइनस लाइन कुछ उसके ऊपर ला के आना है, तो आपको किसी एक आवेश को भू संपर्कित करना पड़ेगा। तो ये अपने पास में क्या है, धनावेश, इसको क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, तो ये सारा का सारा चार्ज कहां पे चला जाएगा, आपका अर्थ में चला जाएगा। तो ये बॉडी यहां पे देखिए, यहां पे इस पे कैसा चार्ज आपका, ऋणावेश चार्ज है, माइनस क्यू। तो अब हमने बिना, यहां पे आप देखो हमने बिना दोनों को स्पर्श कराए, एक पे धनावेश था दूसरे पर उतना सेम मात्रा का क्या ले आए, ऋणावेश ले आए। यहां पे आप धनावेश भी ला सकते थे, आपको क्या करना था, ऋणावेश को क्या करना था, इसको आप ग्राउंड कर देते, यहां पर सेम वैल्यू का आता है, चालन में आधा आधा होता है, यहां पर सेम वैल्यू का आता है, इस बॉडी पे प्लस क्यू है तो दूसरी बॉडी पे चाहे माइनस क्यू आई या प्लस क्यू आई, सेम परिमाण का है। तो ये विधि कौन सी है, प्रेरण विधि है।
तो प्रेरण विधि से सबसे ज्यादा आने वाला एक ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि क्या कोई आवेशित वस्तु बिना स्पर्श किए अन्य अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है? क्या कोई आवेशित वस्तु बिना स्पर्श किए अन्य अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है? तो आपका आंसर होगा इसमें हाँ, ये कर सकती है। यहां पे देखो, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो इन दोनों में अभी क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो आकर्षित कर सकती है हाँ। और कौन सी विधि से कर सकती है, तो विधि का नाम भी आपको बताना है, प्रेरण। तो ये जितने भी क्वेश्चन में बीच बीच में बोल रहा हूं या जितने भी चीजें आपको लिखा रही है, ये पीडीएफ नोट्स के रूप में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, तो एक बार आप सुन लीजिए। तो क्वेश्चन एक बार मैं लास्ट में दोबारा बोल देता हूं, क्या कोई आवेशित वस्तु किसी अन्य अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए अपनी ओर आकर्षित कर सकती है? तो आपका आंसर होगा हाँ, कर सकती है। और कौन सी विधि से कर सकती है, तो वो विधि कौन सी, आपकी प्रेरण विधि। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।